चचेरे भाई ने बड़े बाप की बेटी को मारी गोली, मौके पर हुई दर्दनाक मौत। प्रेम प्रसंग के चलते भाई ने द्वेष में आकर बहन को गोली मारकर कर दी हत्या। जीजा का था साली से चक्कर। मामला जनपद हमीरपुर की राट कोतवाली के मोहल्ला छोटी जुलहेटी का है, जहां पर एक भाई ने अपने बड़े पिता की बेटी को गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या की वजह जीजा का साली से प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है। मृतका हीर उर्फ सहनाज के पति की 5 साल पहले मौत हो गई थी, जिसके बाद से मृतका अपने मायके में रह रही थी, जिससे उसके जीजा के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। पड़ोसियों से सुनाई में आ रहा है कि जीजा ने अपनी साली के साथ ही निकाह कर लिया था, जिसके बाद घर में कलेश मचा था, जिस पर आरोपी साले रोशन ने आक्रोश में आकर अपने बड़े पिता की बेटी को घर में घुसकर गोली मार दी, जिससे मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी की तलाश में जुट गई है। आरोपी घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया है। चाचा क्या नाम है आपका? महमूद। क्या घटना हो गई है? घटना बिड़िया को गोली मार। किसने मारी है? रोशन तो जी और दो लड़के और थे। कहाँ पे हुई है ये घटना? जुलेटी में। बजे क्या, किस बजे से मारी है, क्या कारण है? हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी उसे। कहाँ पे लड़की थी मौजूद? आपकी लड़की कहाँ पे थी, किस जगह? घर में थी, कमरे में बैठी थी, बहुत ही हमारी छपे थी, ऊपर वाले कमरे में। थाना राठ क्षेत्र में आज दिनांक 11 अक्टूबर को शाम सायं 5 बजे पुलिस को एक सूचना मिली कि एक महिला जिसका नाम हीर उर्फ शाहनाज है, उसको एक व्यक्ति ने गोली मारकर हत्या कर दी है। मौके पर थाना पुलिस ने तत्काल पहुंचकर बॉडी को कब्जे में लिया और साथ ही प्रारंभिक जांच में जो तथ्य प्रकाश में आए हैं, उससे ये पता चला कि उक्त मृतक महिला के चाचा के बेटे, जिसका नाम रोशन पठान है, उसने उक्त महिला के अपनी बहन के पति से प्रेम प्रसंग होने के कारण द्वेष भावना से उक्त महिला की गोली मारकर हत्या की है। मौके पर फील्ड यूनिट और उच्चाधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया है और साथ ही आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीमें बनाकर लगातार दबिश दी जा रही है और आगे की वैधानिक कार्रवाई प्रशासन। संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। धन्यवाद।